जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जब 20,000 लोगों को अपने पास में आते हुए देखा तो प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस जो उसका एक चेला था उसके विश्वास को परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस को कहते हैं, फिलिप्पुस ये 20,000 की जो बड़ी भीड़ आ रही है इसके लिए हम कहां से भोजन मोल लें, इनको कहां से खाना खिलाएं, इनको कहां से हम भोजन कराएं। और बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आप जानते थे कि उनको क्या करना है, लेकिन वो फिलिप्पुस से इसलिए पूछ रहे थे कि वो फिलिप्पुस के विश्वास को परख रहे थे, उसके विश्वास को जांच रहे थे, उसके विश्वास को परख रहे थे कि फिलिप्पुस ऐसे समस्या में क्या कहेगा या क्या बोलेगा, उसकी क्या टिप्पणी होगी, उसके फेथ का, उसके विश्वास का क्या लेवल होगा, क्या स्तर होगा। तो प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर के उससे पूछते हैं, जबकि प्रभु को मालूम है कि मेरे को क्या करना है, वो जानते हैं और पूछते हैं, फिलिप्पुस ये 20,000 की जो भीड़ आ रही है हम इनको कहां से भोजन खिलाएं, इतना भोजन हम कहां से मोल लेकर के आए। फिलिप्पुस का आंसर सुनो, फिलिप्पुस क्या आंसर देता है, फिलिप्पुस का आंसर सुनो, 6 वचन। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही हाँ। क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। हाँ। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हाँ, अब देखो फिलिप्पुस क्या बोल रहा है, जब प्रभु ने उसे प्रश्न किया उसके विश्वास को परखने के लिए तो फिलिप्पुस क्या बोल रहा है, फिलिप्पुस कहता है कि प्रभु 200 दिनार जो हमारे पास में है ना, 200 दिनार की रोटी भी इनको नहीं पूरेगी, हम अगर 200 दिनार की रोटी भी खरीद लें तो भी इनको थोड़ा थोड़ा भी नहीं मिल पाएगा। अब इन लोगों के पास में, चेलों के पास में 200 दिनार था, 200 दिनार मतलब कि एक दिनार मतलब एक चांदी का सिक्का, और उस समय में एक दिन की मजदूरी होती थी, एक दिनार मतलब एक चांदी का सिक्का, इनके पास में कितना था, 200 चांदी के सिक्के थे, और उस समय में जो रोटी होती थी वो आज के समान रोटी नहीं होती थी, वो रोटी 5 से 6 इंच उसका गोलाकार होता था, उसकी मोटाई 1 इंच होती थी, उसकी जो गोलाई थी वो 1 इंच होती थी, और उस समय में जब रोटी खरीदने के लिए जाओ तो एक दिनार की एक रोटी मिलती थी, मतलब एक चांदी के सिक्के की एक रोटी मिलती थी, और उनके पास में था 200 दिनार। अब 200 दिनार में कितनी रोटी खरीद सकते थे, केवल 200 रोटी खरीद सकते थे, समझ में आ रहा है, केवल 200 रोटी। और वो रोटी को, अगर वो रोटी की, अगर मैं वो रोटी का आपको उसकी लंबाई चौड़ाई में बताऊं तो आज की रोटी से वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी, 3 गुना ज़्यादा बड़ा, और 1 इंच मोटा था। अब 200 रोटी को अगर हम खरीदते, 200 रोटी को अगर वो खरीदते तो 200 दिनार देना पड़ता, क्योंकि उनके पास में 200 दिनार था, 200 दिनार में वो 200 रोटी खरीदते। अब 200 रोटी अगर खरीद भी लेते तो क्या वो 200 रोटी 20,000 लोगों को खिला सकते थे? हाँ, 200 रोटी 20,000 लोगों को खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते, बोलो, नहीं खिला सकते। तो क्या बोल रहा है फिलिप्पुस, फिलिप्पुस कहता है प्रभु हमारे पास में मात्र 200 दिनार है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है प्रभु कि हम इनको थोड़ी थोड़ी भी, शब्द पे गौर करना, हम इनको थोड़ी थोड़ी भी रोटी खिला सके, इतना पैसा हमारे पास में नहीं है। यह फिलिप्पुस का विश्वास है और यह फिलिप्पुस का अंगीकार है। मेरे प्रिय, फिलिप्पुस के सामने में सृष्टिकर्ता खड़ा था, वो सृष्टिकर्ता जिसने स्वर्ग बनाया, ब्रह्मांड बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने आपको और मेरे को बनाया, उसी ने ही सारी भोजन की सामग्री बनाई है। वो सृष्टिकर्ता, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस के पास में खड़ा है, और फिलिप्पुस कहां, फिलिप्पुस किसको देख रहा है, फिलिप्पुस प्रभु यीशु को नहीं देख रहा है, परंतु फिलिप्पुस का ध्यान कहां लगा हुआ है, अपने आर्थिक घटी कमी के ऊपर में, आर्थिक घटी कमी के ऊपर में उसका ध्यान लगा हुआ है, और क्या कहता है कि प्रभु हमारे पास में आर्थिक तंगी है, आर्थिक घटी कमी है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है प्रभु कि हम इनको थोड़ी थोड़ी भी रोटी खिला सके, थोड़ी थोड़ी भी रोटी खिला सके। फिलिप्पुस का ध्यान और उसकी आंखें सृष्टिकर्ता के ऊपर नहीं लगी थी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में नहीं लगा हुआ था, परंतु उसका ध्यान था आर्थिक घटी कमी के ऊपर में, और आर्थिक घटी कमी को देख करके वो कंप्रोमाइज कर रहा है और क्या बोल रहा है कि प्रभु थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, आधा टुकड़ा भी रोटी जो है वो इनको नहीं मिल पाएगा, जबकि वो सृष्टिकर्ता उसके सामने में खड़ा था जिसने ब्रह्मांड बना दिया, क्या वो 20,000 लोगों को रोटी नहीं खिला सकता?
लेकिन एक्चुअल में फिलिपुस का ध्यान प्रभु पर नहीं था, आर्थिक घटी कमी के ऊपर में था। आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जिनका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में नहीं होता, वो प्रभु यीशु कहते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में आर्थिक घटी कमियां आती है, आर्थिक घटी कमी आती है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनका विश्वास फिलिपुस के समान कमजोर है, या मैं यूं कहूं तो आज भी बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो जो अल्पविश्वासी हैं। क्या है ये अल्पविश्वासी और विश्वास में कमजोर होना? मतलब जब कोई काम हमारी लाइफ में है, जैसे कि बच्चे को बड़ी स्कूल में पढ़ाना है, सबकी इच्छा होती है कि उसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, बड़े स्कूल में पढ़ाया जाए, लेकिन क्या होता है, हम पैसा देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि यार हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाल सके, तो जितना पैसा हमारे पास में होता है पैसे के अनुसार हम सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? चलो कोई बात नहीं, जितना पैसा है इतने पैसे में थोड़े स्कूल में, मतलब छोटे से स्कूल में ही डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? छोटे स्कूल में डाल देते हैं। क्यों? जितना पैसा है उतना ही प्लानिंग। फिलिपुस क्या बोल रहा है? प्रभु इतना पैसा है, इतना भी नहीं है कि थोड़ी थोड़ी रोटी मिल जाए। फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह के रहते क्या शब्द यूज कर रहा है? थोड़ा और थोड़ा। आपको मालूम है हम में से बहुत सारे लोगों का यही विश्वास है मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर कम और पैसों पर ज्यादा बिलीव करते हैं, और जब पैसा देखते हैं तो पैसे के अनुसार हम अपनी योजना बनाते हैं, अपना बुद्धि अपना समझ का सहारा लेते हैं, हम प्लान करने लगते हैं। ओ पैसा है, थोड़ा पैसा है तो छोटा सा घर बनाएंगे, थोड़ा पैसा है बच्चे को छोटे से स्कूल में डालेंगे, थोड़ा पैसा है छोटा सा जमीन ले लेंगे, सब कुछ थोड़ा, सब कुछ छोटा, सब कुछ मन मारने वाली जिंदगी। आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं बोलती कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपना मन मारो, क्योंकि खुदावंद कहता है मैं इसलिए आया हूं ताकि तुमको आशीष नहीं बहुतायत से आशीषित करूं। लेकिन होता क्या है, हम प्रभु के ऊपर में भरोसा नहीं रखते, हम प्रभु को काम करने का अवसर नहीं देते, अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जितना पैसा उतनी प्लानिंग चलती है। समझ में आ रहा है? जानते हो इससे होता क्या है, प्रभु को मौका नहीं मिल पाता हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने का। कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको, अगर आपके दिल में इच्छा है मैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाऊं, आपके दिल में इच्छा है एक अच्छा बड़ा घर बनाऊं जिसमें पूरा परिवार रह सके, आपके दिल में इच्छा एक अच्छी नौकरी करूं, एक बड़ा बिजनेस हो मेरा, आपके दिल में इच्छा है, खुदा कहता है मैं मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। करना क्या है, प्रभु पर विश्वास करो, वो पूरा करेगा। आप नहीं कर सकते लेकिन वो करने के लिए तैयार है। एक आपको छोटा सा गवाही देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। एक प्रभु का सेवक था, अभी भी है, उसका बेटा स्कूल 12वीं क्लियर किया, और अब वो सेवक प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे को अपने बेटे को बड़े शहर में और बहुत बड़े कॉलेज में मेरे को दाखिला करवाना, मेरे को इसको इंजीनियरिंग करवाना है प्रभु, और बड़े शहर में और बड़े कॉलेज में। कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं, उस समय इंजीनियरिंग का बहुत डिमांड हुआ करता था, बहुत डिमांड था इंजीनियर का उस समय में। तो वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करके मैं ये बड़े शहर के उस बड़े कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, मेरे को तेरे ऊपर में मेरे को भरोसा है। अपने बेटे का बैग वैग पैक किया और चले गए बड़े शहर। अब वो बड़े शहर के वो बड़े कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज में जा करके प्रिंसिपल के पास सामने में बैठकर बोलते हैं मेरे को मेरे बेटे का एडमिशन कराना है। तो वो एडमिशन फीस बताता है। अब एडमिशन फीस है लाखों रुपए में, और ये सेवक के पास में उतना पैसा नहीं था कि ये अपने बेटे को उस कॉलेज में पढ़ा सके, क्योंकि वो लाखों रुपए की डोनेशन मांग रहे थे। तो इसने बोला कि मेरा बेटा होशियार है लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप कुछ छूट नहीं दे सकते क्या, कुछ कंसेशन नहीं कर सकते क्या, और मेरे बेटे को रख लो। तो बोले देखो भैया ये प्राइवेट है, ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, मतलब यहाँ खैरात नहीं बढ़ता, इस प्रकार का बात बोला गया। वो सेवक अपने बेटे को पकड़ करके कॉलेज से बाहर निकला, और कॉलेज से बाहर निकल करके कॉलेज का ऐसा ग्राउंड था, वो ग्राउंड में जाकर के बैठ गया। ध्यान से सुनना, ग्राउंड में जाकर के बैठ गया और बैठ करके अपने बेटे के साथ में प्रार्थना करने लगा। एक व्यक्ति अच्छा सूट बूट में था, कार से निकला और ऐसे वो भी कॉलेज के अंदर जा रहा था। जाने से पहले उसकी नजर पड़ी कि ग्राउंड में बैठ करके बाप और बेटे दोनों मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। अंदर चला गया वो। अंदर जाने के बाद में शाम हो गई और वो लोग बैठ के प्रार्थना ही कर रहे हैं। शाम हो गई, बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। शाम को 6 बजे करीब वो व्यक्ति जो देख करके गया था फिर बाहर आता है, और बाहर आने के बाद में उनको देखता है
उसके पास में जाता है, उसके उसके बेटे उसके बाप के पास में जाता है, बोलता है मैं सुबह से आप लोगों को देख रहा हूं, दिन भर से मैं आप लोगों को देख रहा हूं, यहां पर बैठ करके आप प्रेयर कर रहे हो, क्यों प्रेयर कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम, कोई समस्या है क्या आपको? तो उसने बताया कि मैं अपने बेटे को छत्तीसगढ़ से लेकर के आया हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा सकूं, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। वो व्यक्ति उसको बोलता है अपने बेटे को लेकर के आओ, अपने बेटे को लेकर के आओ। वो बेटे को लेकर के आया, मालूम चला कि उस कॉलेज का जो ऑनर था वही व्यक्ति था। वो कॉलेज का जो ऑनर था वही व्यक्ति था। उसने कहा मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा, मैं पैसा दूंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं कपड़े पहनाऊंगा, एक रुपए तुम नहीं देना। कितनों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पैसे से नहीं होता आश्चर्यकर्म, पैसे से नहीं होता। आज लोगों की लाइफ में मिरेकल क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रभु पे कम और पैसों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आप प्रभु को देख करके बड़ी प्लानिंग करो, साकार वो करेगा, आपके सपने वो पूरा करेगा। हर सपने पैसों से पूरे नहीं होते, हर सपने पैसों से पूरे नहीं होते, याद रखना मेरे प्रियो, हर सपने पैसों से पूरे नहीं होते। पैसे से प्लानिंग मत करो, पैसा देखकर प्लानिंग मत करो, उसको देखकर अपनी प्लानिंग को बढ़ाओ, अपनी प्लानिंग बढ़ाओ, प्रभु ब्लेस करेगा। आमीन। लेकिन आज लोगों के जीवन में बिग ब्लेसिंग क्यों नहीं है, बिग मिरेकल क्यों नहीं है? क्यों? मिरेकल और बिग ब्लेसिंग आती है फेथ से, विश्वास से। जो यीशु पर विश्वास करता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं होता, सरल हो जाता है उसके लिए। लेकिन फिलिपुस का ध्यान पैसों पर था, पैसों की कमी पर था, और वो पैसा देख करके प्लानिंग कर रहा है कि प्रभु थोड़ी थोड़ी मिल जाए। ये फिलिपुस की पर्सनल प्लानिंग थी, ये आपकी प्लानिंग है। ओ पैसा कम है, मेरा बच्चा छोटे स्कूल में, ओ पैसा कम है, छोटा घर, ओ पैसा कम है, छोटा सा जॉब, मेरा टैलेंट कम है, मेरी पढ़ाई लिखाई कम है, छोटा जॉब, ज्यादा नहीं, छोटा सा बिजनेस ही खुल जाए, 5,000, 7,000, 10,000 मिल जाए। ये आप है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। वो जब देता है ना तो रखने की जगह नहीं होगी, वो जब देगा तो रखने की जगह नहीं होगी, वो बहुतायत से देता है, वो बहुतायत से देता है। इसलिए अपनी बुद्धि समझ का सहारा मत लो, अपनी प्लानिंग मत करो, प्लानिंग बड़ा करो, वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में।